प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप और कहर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन में प्रशासन की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर आमजन से घरों में रहने की लगातार अपील की जा रही है। इसी अपील के बावजूद कोरोना का संक्रमण एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में बढ़ गया। इसी के तहत अब राजधानी जयपुर के धूलेश्वर गार्डन स्थित कॉलोनी में एक बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके को सीज कर दिया। डीसीपी साउथ योगेश धादीश ने किसी भी वक्त इलाके में कर्फ्यू के आदेश भी जारी कर सकते हैं। हालांकि कोरोना पॉजिटिव पाए गए बुजुर्ग के मकान के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को पूरा सील करते हुए पुलिस ने अपना पहरा यहां पर बैठा दिया है। पुलिस ने इलाके में अधिक जाब्ता तैनात करते हुए पूर्ण आवाजाही पर अभी से प्रतिबंध यहां पर लगा दिया है। पुलिस की टीम कोरोना पॉजिटिव पाए गए बुजुर्ग के मकान के आसपास के सभी ऐसी गलियों को अब चिन्हित करने में जुटी है और यहां पर स्क्रीनिंग का काम भी मेडिकल विभाग के जरिए शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ प्रशासन की ओर से धूलेश्वर गार्डन के आसपास पूरी कॉलोनी को भी सैनिटाइज अप करवाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त पूरे इलाके में कर्फ्यू यहां पर लग सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले जयपुर के 11 थाना इलाकों में पुलिस की ओर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, यहां पर लगातार चुनौतियों का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अब धूलेश्वर गार्डन जो कि एक अलग जगह है उसे यहां पर कर्फ्यू करने की तैयारी कर ली गई है, इलाके को सीज कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरीके से कल एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था बुजुर्ग युवक, जो उसके बाद से यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने एक एहतियात बरतते हुए यहाँ पर रात को ही पूरा जो पहरा है पुलिस का वो बैठा दिया था, पूरे इलाके को यहाँ पर सीज कर दिया था। जो भी वाहन यहाँ से आ जा रहे थे उनको निर्देश दे दी गई थी कि आप खाने पीने की जो पूर्ति अपनी पहले से कर ले और घर के अंदर कैद हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस का जो अतिरिक्त जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अपन यूं कहें तो इस पूरे मामले को लेकर के कर्फ्यू जैसी जो स्थिति है वो यहाँ पर लगा दी गई है। हालांकि अभी कर्फ्यू लगाया नहीं गया है, क्योंकि अभी आदेश है जो आने वाले हैं कुछ ही देर में कभी भी यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मगर जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव आया है उसके बाद से यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरे हरकत में आया है और लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में जो गश्त है वो लगातार चल रही है। करीब यहाँ पर 1 किलोमीटर का जो दायरा पड़ता है धूलेश्वर गार्डन जो बीडी कल्ला हॉस्पिटल पड़ता है उसके आसपास की पूरी कॉलोनी को यहाँ पर कवर कर दिया गया है, और जो कल्ला जो हॉस्पिटल है उसके आगे वाली गली के अंदर वो युवक है जिसका मकान बताया जा रहा है वहां से सबसे पहले सैनिटाइजिंग की जो करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने नगर निगम की ओर से शुरू कर दी है। पूरे इलाके को यहाँ पर सैनिटाइजर करवाया जा रहा है। बिल्कुल जयती, यादवेंद्र एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जो वृद्ध यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनका बताया जा रहा है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी और किसी व्यक्ति के संक्रमित व्यक्ति है उनके संपर्क में भी वो नहीं आए, तो क्या कहा जा सकता है, कौन से ऐसे रीजंस रहे जिसके चलते उन्हें संक्रमण ने अपने कैद में जकड़ लिया? देखिए जैती, इस बारे में मैं क्योंकि आधिकारिक रूप से हम कुछ नहीं कह सकते, जब तक आधिकारिक तौर पर कोई यहाँ पर बयान नहीं आ जाता है जब तक हेल्थ विभाग की ओर से, तब तक सब कुछ कहना जल्दबाजी होगा। मगर इतना जरूर है कि इसकी जो ट्रेवल हिस्ट्री अभी तक कहीं भी नहीं आई है इस युवक की, बुजुर्ग युवक की। इतना ये भी है कि जब इसके बारे में पता चला तो खुद घर के अंदर भी क्वारंटाइन था, मगर पॉजिटिव पाया गया उसके बाद से पुलिस प्रशासन इस पर कहीं कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है, स्वास्थ्य विभाग भी कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है। ऐसे में यहाँ पर लगातार तमाम जो लोग हैं उनके यहाँ से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं उनको इसको पूरे इलाके के अंदर लगा दिया गया ताकि हर घर की यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाए, सर्वे किया जाए, और रैंडमली यहाँ से जो सैंपलिंग लेने की जो प्रक्रिया, टेस्टिंग की जो प्रक्रिया वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि राजस्थान पुलिस ने कहा है कि जहां पर भी कोई भी एक युवक चाहे संदिग्ध हो या कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। अगर उसकी पुष्टि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव होती है तो उस इलाके को सील कर दिया जाए, उसके 1 किलोमीटर के पूरे आसपास के दायरे को। मगर यहाँ पर ये विचार भी चल रहा है कि यहाँ पर कुछ विवादास्पद जो बयान आ रहा है वो ये है कि पुलिस है जो केवल एक पर्टिकुलर उसी गली को या उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे को जो कर्फ्यू कर रही है वो 1 किलोमीटर तक न बढ़ा करके पूरे उस इलाके को, पूरे थाना क्षेत्र को यहाँ पर कर्फ्यू में तब्दील कर दिया जाए। फिलहाल यहाँ पर विधायकपुरी थाना पुलिस की ओर से यहाँ पर साउथ जो जिला पुलिस की तरफ से पूरी तौर पर यहाँ पर जो भारी पुलिस का जो बल है वो यहाँ पर तैनात है, पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बस आदेश आने बाकी है यहाँ पर कर्फ्यू के। बिल्कुल जी, यादवेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजधानी जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, एक व्यक्ति जो कल कोरोना का पॉजिटिव यहाँ पर पाया गया उसके चलते यहाँ पर अब
धूलेश्वर गार्डन का जो इलाका है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और आने वाले दिनों में कर्फ्यू भी वहां पर इन्फोर्स किया जा सकता है। कोरोना